नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ 2017 का हिमाचल HPSSB का कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट कोड 543। ये सॉल्व क्वेश्चन पेपर है और ये आपको JOAIT के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं आगे भी ऐसे ही 4-5 मेरे पास ऐसे क्वेश्चन पेपर पड़े हुए पुराने, उनको मैं अपलोड करता रहूँगा बैक टू बैक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डाटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड, मतलब कंप्यूटर में जो डाटा जाता है उसको कहते हैं इनपुट। सेकंड क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर इज, तो बोले कंप्यूटर की कैपेसिटी ऐसी होती है, लिमिटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 3, मेमोरी यूनिट इज़ वन पार्ट ऑफ, मतलब मेमोरी यूनिट है वो किसका पार्ट है। तो मेमोरी यूनिट जो हमारा ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म गीगो GIGO इज़ रिलेटेड टू, तो हमारी जीजो है किसके साथ, गीगो टर्म किसके साथ रिलेटेड है। एक्यूरेसी, ऑटोमेसी, फ्लेक्सिबिलिटी या वर्सेटैलिटी, तो ये जो है एक्यूरेसी के साथ टर्म है, रिलेटेड है हमारी टर्म गीगो, और गीगो की फुल फॉर्म होती है गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्वेश्चन नंबर 5, हु इन्वेंटेड पंच कार्ड, तो पंच कार्ड को किसने इन्वेंट किया था, ठीक है, तो इनमें से नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, अबैकस वाज डेवलप्ड इन, तो अबैकस जो है कैलकुलेटिंग अर्लियर, जो बहुत सबसे पहले जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है एडिशन के लिए जो है इन्वेंट किया गया था, तो इसका जो सही आंसर होगा ये चाइना में इन्वेंट हुआ था अबैकस। इन विच प्रोग्राम, इन विच जनरेशन द कंप्यूटर वाज माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस, तो कंप्यूटर की चौथी जनरेशन थी, फोर्थ जनरेशन थी, उसमें हमें माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किए। पहली में क्या था, पहली में वैक्यूम ट्यूब से, सेकेंड जनरेशन में क्या था ट्रांजिस्टर से, चौथे में इंटीग्रेटेड सर्किट थे, और जो पांच तीसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट थे, और जो चौथी जनरेशन थी उसमें हम माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं, और पांचवी में क्या कर रहे हैं, मल्टी माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8, आई मैक क्या है, एक ये सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना क्वेश्चन को, ठीक है, आंसर भी साथ साथ ही दिए हुए हैं। क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फास्टर, सीडी रोम, रैम, रजिस्टर या कैश, तो बोलते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा तेज कौन सी मेमोरी होती है, तो रजिस्टर एक टाइप की मेमोरी होती है जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, और ये डाटा को तब स्टोर कर रखती है जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, टाइप ऑफ माउस इज़, माउस के कितने टाइप होते हैं, तो या तो ऑप्टिकल होगा या मैकेनिकल होगा, ठीक है, मैकेनिकल या ऑप्टिकल। एक और टाइप होता है जो है हाइब्रिड होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ऑप्टिकल और मैकेनिकल का मिक्स होता है, इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन बी, ऑप्टिकल मैकेनिकल। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन ए कीबोर्ड इज़, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12, ठीक है। तो हमारे लैपटॉप में कितनी फंक्शन या कंप्यूटर में कितनी फंक्शन की होती हैं, 12, F1 से लेके F12 तक। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि F1 से लेके F12 तक इन फंक्शन की का फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, एक करेक्टर प्रिंट्स हाउ मैनी करेक्टर पर सेकंड, बोले करेक्टर प्रिंटर होता है तो बोले एक सेकंड में कितने करेक्टर ये प्रिंट कर सकता है, तो ये 200 से लेके 4000 तक ये करेक्टर को प्रिंट कर सकता है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी एरो कीज़ आर देयर इन ए कंप्यूटर, बोले कंप्यूटर में कितने एरो कीज़ होती हैं, तो इसका सही आंसर होगा 4, कंप्यूटर में 4 एरो कीज़ होती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज अ माउस, बोले इनमें से कौन जो है एक तरह से माउस में ही काम करता है, माउस की तरह ही काम करता है, तो ये हमारा ट्रैक बॉल जो होती है वो हमारे एज ए माउस की तरह काम करती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, LCD स्टैंड फॉर, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सभी को पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, ए स्कैनर इज, तो स्कैनर क्या है, स्कैनर है, स्कैनर का सही होता बोले स्कैनर स्कैन्स, बोले स्कैनर क्या स्कैन करता है, स्कैनर जो है पिक्चर को भी स्कैन करता है, हमारे टेक्स्ट को भी स्कैन करता है, तो बोथ ए एंड बी आ रहा था राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, सॉफ्ट कॉपी रेफर टू,
और सॉफ्ट कॉपी किससे रेफर होती है, किसको रेफर करती है। तो सॉफ्ट कॉपी के देख टाइप की ये स्क्रीन आउटपुट होती है, और अगर हार्ड कॉपी पूछ ले तो प्रिंटर से जो हमें पेजेस के थ्रू हमें आउटपुट मिलती है उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, OCR स्टैंड फॉर, तो OCR किसको कहते हैं, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, और ये चेक्स में यूज़ किया जाता है OCR, ठीक है, जो बैंकिंग चेक होते हैं उसमें ये टेक्नोलॉजी की जाती है यूज़। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आउटपुट डिवाइस, बोले इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो टच स्क्रीन इज नॉट ए आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर जो है प्रिंटर जो है और मॉनिटर, ये सारे के सारे ये ये इनपुट डिवाइस, जबकि टच स्क्रीन जो है ये हमारी इनपुट डिवाइस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस, बोले इनमें से कौन सा जो है पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है, ठीक है, तो माउस, स्कैनर, प्रिंटर, सीडीरोम, इनमें से जो माउस है ये क्या होता है हमारा पॉइंट स्कैनर, पॉइंट एंड ड्रा, इसको पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस बोलते हैं। USB टाइप स्टोरेज यूज्ड इन, मतलब USB टाइप स्टोरेज किसको USB टाइप जो स्टोरेज होती है उसको क्या कहते हैं, तो वो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरीज, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज़, तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी, ठीक है। फ्लैश क्या है, रैम, जैसे हमारे कंप्यूटर फ्लैश मेमोरी होती है तो छोट, तो उसको बोलते हैं ये एक टाइप की रैम है, फ्लैश मेमोरी जो होती है एक रैम होती है। CD इज एन, बोले CD क्या है, CD को है एक ऑक्सिलरी मेमोरी है, ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी होती है हमारी, CD जो होती है ऑक्सिलरी मेमोरी की कैटेगरीज में आती है। क्वेश्चन नंबर 26, यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर इज, तो बोले कंप्यूटर में जो स्टोरेज होती है उसको किस फॉर्म में कहते हैं, उसको हम बाइट की फॉर्म में, यानी स्टोरेज कैपेसिटी इसकी होती है बाइट उसकी यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 27, DVD इज ए, तो DVD की सही फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। क्वेश्चन में ये बताइए कि DVD के ऊपर जो किस मटेरियल की जो है उसके ऊपर कोटिंग करी हुई होती है। मीनिंग ऑफ IBM, तो IBM की मीनिंग मतलब क्या है, IBM का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और IBM ने ही सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था, जो हम कमर्शियल कंप्यूटर सबसे पहले IBM ने ही बनाया था, ठीक है। वैसे कंप्यूटर जो कमर्शियल कंप्यूटर था वो सबसे पहले यूज़ के लिए वो IBM ने ही बनाया था। क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप फॉर प्रोग्राम इज, तो बोले जो पहली जो कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप कर गई थी वो कौन सी थी, वो थी फोरट्रेन जो थी पहली कंप्यूटर लैंग्वेज जो है डेवलप की गई थी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 है, विच लैंग्वेज IT यूज्ड इन ए कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन, तो जो साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है वहाँ पे हम कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो साइंटिफिक लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं फोरट्रेन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए फोरट्रेन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कार्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज्ड फॉर, बोला जो यूनिक्स जो हमारा जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये हमारा बेस मोस्टली जो है ये हमारा वेब सर्वर जो होते हैं वहाँ पे हम यूनिक्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वेब सर्वर। कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन इंटरनेट इज, बोला जो कंप्यूटर लैंग्वेज जो इंटरनेट के ऊपर यूज़ होती है वो कौन सी होती है, तो ये सबको पता होगा जावा लैंग्वेज जो है यूज़ होती है हमारी इंटरनेट के लिए, और जो कोबल है, कोबल जो हमारी बिजनेस और इंटर लैंग्वेज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, इन विच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल, बोले इनमें से है किस लैंग्वेज सबसे ज़्यादा हम डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल हो सकती है, तो फोरट्रेन, कोबल, पास्कल, वन ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोबल, कोबल में सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 34, लॉजिक गेट क्या है, एक टाइप ऑफ सर्किट होते हैं, ठीक है, लॉजिक गेट आपको बताया ये टाइप ऑफ सर्किट होते हैं, ठीक है, जो कि हम कंप्यूटर में यस इनकी एंड और नॉर गेट ये यूज़ होते हैं, ठीक है, लॉजिक गेट, तो ये टाइप ऑफ सर्किट गेट है। 1 KB मतलब किलोबाइट इज इक्वल टू, तो 1 KB में कितने होते हैं, 1 KB में होते हैं 1024 बाइट होते हैं, 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज, बोले इनमें से सबसे बड़ी यूजेस्ट स्टोरेज यूनिट वो कौन सी है, तो है टेराबाइट, ठीक है, GB स्टैंड फॉर, ये GB है, फिर ये KB है, MB है, ऑप्शन डी इसका सही होगा टेराबाइट। बोले प्रोसेस TB, ये प्रोसेस फॉर सर्चिंग बग इन ए सॉफ्टवेयर, तो अगर सॉफ्टवेयर में हम जो अगर कोई हमने कोई बग सर्च करना हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डीबगिंग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 38,
लिनक्स इज़ एग्जांपल ऑफ, तो लिनक्स किसका एग्जांपल है? लिनक्स चाहिए है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्रीवेयर शेयरवेयर कंपैटिबिलिटी, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लिनक्स। क्वेश्चन नंबर 39, यूनिक्स वाज डेवलप्ड इन, तो यूनिक्स को कब डेवलप किया गया था? यूनिक्स को किया गया था 1969 में डेवलप किया गया था, ठीक है, 1969 में यूनिक्स को डेवलप किया गया था। और इसी साल 1969 में ही अपना एक कंपनी जो कि इस्टेब्लिश हुई थी, आपको बताना है कमेंट में कि 1969 में कौन सी, ऐसे मैं बता देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1969 में, और 1972 में उन्होंने अपना पहला माइक्रोप्रोसेसर बना के दे दिया था 404. क्वेश्चन नंबर 40, बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स इज़, यूनिक्स की जो बेसिक लैंग्वेज है वो कौन सी है? तो यूनिक्स जो है जो असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करती है, ठीक है। तो याद रखना कि यूनिक्स में, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है? इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, द वर्ड कैट इज़ रिलेटेड टू, तो बोला कैट है इसको कहते हैं कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन, फुल फॉर्म इसकी होती है कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन, और इसका जो ये जो रिलेट करती है हमारे ये डिज़ाइन से रिलेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है ओरेकल इज़, ओरेकल क्या है, ओरेकल क्या है? एक डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ओरेकल क्या है? ओरेकल जो है हमारा एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओरेकल डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 43, दिस सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, बराबर इनमें से कौन सा जो सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसिंग में यूज़ किया जाता है? पेज मेकर, वर्ल्ड स्टार, एमएस वर्ड, ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो जो क्या है, ये हमारे वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आया था वो था वर्ल्ड स्टार, ठीक है। तो याद रखना ये वर्ल्ड, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे पहले जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था वो कौन सा, वर्ल्ड स्टार था। क्वेश्चन नंबर 44, विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग रिज्यूम, क्रिएट में से कौन सा सॉफ्टवेयर है ये रिज्यूम को क्रिएट करने के लिए किया जाता है? तो एमएस वर्ड और पेज मेकर, ये दोनों के दोनों ये है रिज्यूम क्रिएट करने के लिए किया जाता है। रिज्यूम जो हम कंपनीज में अपना देते हैं, ठीक है, तो एमएस वर्ड में कर सकते हैं हम, पेज मेकर में भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, रिस्टार्टिंग ऑफ ए कंप्यूटर दैट इज़ ऑलरेडी ऑन इज़ रेफर टू, बोला अगर हम कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं, अगर हमारा कंप्यूटर जो है ऑलरेडी जो ऑन है, जब हमारा कंप्यूटर ऑन है और हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग, ठीक है। और कोल्ड बूटिंग कब करते हैं, जब हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो, बंद हो, तो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑफ कंप्यूटर को ऑन करते हैं, उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। और जब ऑन कंप्यूटर को, जो हमारा कंप्यूटर ऑन है, उसका हम दोबारा रिस्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 46, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए फ्लॉपी डिस्केट फॉर यूज इसका, ठीक है। तो बोला जी 46 राइट होगा, आंसर होगा, ठीक है, इसका सही आंसर होगा फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो हम डिस्क की जो फॉर्मेटिंग करते हैं, और हम ये किस लिए करते हैं, ताकि हमें स्पेस मिल सके थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, स्पेस की बेहतर मैनेजमेंट के लिए हम जो है डिस्क की, जो फ्लॉपी डिस्क की क्या करते हैं, हम उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, स्टार्ट और रिस्टार्ट ऑफ कंप्यूटर मीन, ठीक है, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, रिस्टार्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, ए कंपाइलर इज़ यूज टू ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इन, बोले कंपाइलर क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर करता है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कंपर्ट क्रिएट उसमें करता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या कंपाइल करता है, ठीक है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को करता है, उसको ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है टू लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, कंप्यूटर प्रोग्राम आर आल्सो नोन एज, तो कंप्यूटर प्रोग्राम को हम क्या बोल रहे हैं? तो 49 इन चार ऑप्शन में सही आंसर होगा एप्लीकेशंस, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, ठीक है। तो बोले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसका कॉमन टाइप है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग, तो ये एक ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारा क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 51, द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम इज, तो बोले प्रोग्राम का जो ह्यूमन रीडेबल वर्जन होता है उसको हम क्या बोलते हैं सोर्स कोड, ठीक है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोर्स कोड। चलते हैं क्वेश्चन 52 की तरफ, विच डिस्क इज यूज टू कोल्ड बूट अ पीसी, मतलब इनमें से हम कौन सी जो है की को यूज़ करते हैं
कंप्यूटर को कोल्ड बूस्ट करने के लिए। कोल्ड बूस्ट का वही आपको बताया था, कोल्ड बूट का होता है कि जब कंप्यूटर शट डाउन हो और उसको ऑन करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो इसका राइज होगा सिस्टम डिस्क। तो हम जो है सिस्टम डिस्क का यूज़ कर, सिस्टम के अंदर जो डिस्क होती है उसका यूज़ करते हैं कंप्यूटर को कोल्ड बूट करने के लिए। कंपाइलिंग क्रिएट एन, मतलब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर क्या क्रिएट करता है एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 44, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज नोन एंड, मतलब वह कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में हम इंस्ट्रक्शन राइट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोडिंग। ठीक है, कोडिंग जो है प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी हम प्रोग्राम राइट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोडिंग करते हैं। ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव ए, मतलब कंप्यूटर बूट नहीं होगा उसमें क्या नहीं है, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो वो अपने आप को बूट ही नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 56, वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन आर कार्ड, बोले वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन आर कार्ड। ठीक है, तो जो वेंडर मॉडिफिकेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम पैचेस। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर जो हम जो है किसी प्रोग्राम में जो हम के मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पैचेस बोलते हैं। ठीक है, लैन इज यूजफुल फॉर, 56 क्वेश्चन नंबर 57, लैन इज यूजफुल फॉर, देखो लैन जो है इसको फुल फॉर्म में लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो लैन किस में यूज़ की जाती है, तो लैन हम कह देते हैं बिजनेस मैन में। ठीक है, जैसे बैंकिंग, रेलवे और ट्रांसपोर्ट ऑफिस, इन सब में जो है हम वैन का यूज़ करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड फैला होता है। ठीक है, या थ्रू आउट हमारे कंट्री में, जबकि जो बिजनेस मैन हम यूज़ करते हैं उसको, जैसे कोई छोटी सी कंपनी है तो उसके अंदर हम लैन नेटवर्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इज़, तो पहला कंप्यूटर मतलब विश्व का जो है वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन था, तो उसका नाम था अर्पानेट। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन था, अर्पानेट। कमेंट करके बताइए कि अर्पानेट कौन सी कंट्री में बना था और किस इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया था। बैंक्स एटीएम फैसिलिटी इज एन एग्जांपल ऑफ, जी हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 59, कि बैंक का जो एटीएम है ये किसका एग्जांपल है, लैन का, बैन का, या मिक्स नेटवर्क, या मल्टी पर्पज़ नेटवर्क। तो इसका जो सही आंसर होगा, उसका सही आंसर होगा बैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो हमारा एटीएम जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क का एक एग्जांपल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, टेलीफोन ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो टेलीफोन ब्रॉडकास्ट जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। ठीक है, तो टेलीफोन की लाइन से हम जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उसको क्या है, हाफ डुप्लेक्स। देखो, आपको यहाँ पे बहुत से बच्चों को डाउट होगा कि ये फुल डुप्लेक्स क्यों नहीं है। देखिए, आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या पूछा, उसने पूछा कि टेलीफोन ब्रॉडकास्ट, टेलीफोन लाइन से हम जो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, जैसे कि हम टीवी के, जैसे थ्रू टीवी हम देखते हैं, कोई भी लाइव मैच देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो वो क्या है, हाफ डुप्लेक्स है। ठीक है, तो हम इंस्ट्रक्शन एक टाइप पे, हम वहाँ से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, वहाँ से चैनल चेंज हो जाता है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल टीवी का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि इसमें डाटा ट्रांसमिशन दोनों तरफ से होता है, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं होता, एक टाइम पे होता है। ठीक है, तो मान लो कि हमें टीवी का चैनल चेंज करके अपना रिमोट दबाया, हमने यहाँ से इंस्ट्रक्शन दी तो वहाँ से चैनल चेंज हो गया, फिर वहाँ से आउटपुट आई, उसने जो टीवी का रिसीवर है उसने सिग्नल को लिया और हमें आउटपुट दी कि फलाना चैनल ये जो एग्जीक्यूट हो गया है, फिर हमारे मॉनिटर के ऊपर आ जाता है। ठीक है, फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि डाटा जो दोनों तरफ से ट्रांसमिशन होती है एक ही साथ में। मान लो कि जैसे हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या फिर हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या हम ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं, तो ये फुल डुप्लेक्स का ट्रांसमिशन है। ठीक है, तो 60 का आंसर होगा हाफ डुप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 61, डंप टर्मिनल हैव टर्मिनल आर, पर डंप टर्मिनल वाला कौन सा है, डंप टर्मिनल जो है ये कीबोर्ड को क्या कहते हैं, डंप टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, हु रनस इंटरनेट, बोले इंटरनेट को कौन रन करता है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इंटरनेट को रन करने वाला कोई है, इंटरनेट अपने आप ही रन होता है सिर्फ है। ठीक, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट जो मतलब हम यूज़ करते हैं उसकी जो मेंटेनेंस देखती है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, वो एक टाइप की वॉलंटियर बॉडी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन इंडिया एट, तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत थी 15 अगस्त 1995 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64, इन्वेंटर ऑफ ईमेल इज, ईमेल का इन्वेंटर को क्या कहते हैं जिसने ईमेल बनाई, तो ईमेल का जो इन्वेंटर है उसका नाम था रे टॉमिलसन थे। ठीक है, तो रे टॉमिलसन थे, इन्होंने ईमेल का इन्वेंट किया था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 65, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस सीन इन इंडिया, बोले इंडिया में जो पहला कंप्यूटर वायरस था इनमें से कौन सा था, सी ब्रेन, कोलंबस, मैकवर्क, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं था। आप कमेंट करके बताइए कि इंडिया में जो पहली बार जो कंप्यूटर वायरस देखा गया था वो कौन सा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, तो जंक ईमेल को क्या बोलते हैं, स्पैम, स्पैम ईमेल बोलते हैं, ठीक है। ICMP इस इशू फॉर, बोले ICMP जो इशू है वो कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ICMP जो इशू है ये जो है एरर रिपोर्टिंग, जब हम किसी एरर की रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे ये ICMP हम यूज़ करते हैं, कोई हमें किसी एरर की रिपोर्ट करना हो तो ICMP का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, URL स्टैंड फॉर, तो URL का सही फॉर्म होगा यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो URL का एक टाइप का वेब एड्रेस होता है, एक टाइप का जिसके किसी वेब पेज का ये एड्रेस होता है, डायरेक्टली हम उसके ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। एक टाइप का लिंक होता है ये, जितनी भी ये कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी हमारी एब्रीवेशंस है आप उनको याद करके जाना, एग्ज़ाम में 3 से 4 एब्रीवेशन एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो ये URL, HTTP, वॉइस, गीगो, फिलो, ठीक है। तो ये बहुत सी सारी कंप्यूटर की एप्लीकेशन है, ये कम से कम इंपॉर्टेंट है, ये 50-60 एप्लीकेशन है, आप इनको एक बार याद कर जाना, इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है, गूगल पे सर्च करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इज, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर कौन थे, सबको पता होगा ये बिल गेट्स और पॉल एलन जो थे इनके फाउंडर थे। क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं, 70, विंडो सॉफ्टवेयर वाज डेवलप बाय, तो विंडो सॉफ्टवेयर किसने किया था, IBM कंपनी ने विंडो सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था। ड्राइवर सॉफ्टवेयर डज नॉट नीड, और जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो है किस विंडो में नहीं यूज़ होते थे, ठीक है, तो विंडो 95 में ड्राइवर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, एट विच बटन हेल्प मेनू अवेलेबल, बोले कौन से, बोले किस में हमें, कोई भी हम जैसे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन से में हेल्प मेनू हमें कहाँ पे मिलता है, तो ये स्टार्ट बटन होता है, वहाँ पे हमारा हेल्प मेनू होता है, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, स्टार्ट बटन में हमें हेल्प मेनू मिलता है। क्वेश्चन नंबर 73, यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल फोल्डर इन, तो आप अपनी पर्सनल फाइल और फोल्डर्स को कहाँ पे रख सकते हैं, तो आप इसको रख देते हैं माई डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं, ठीक है। डाटा दैट इज़ कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन द, ठीक है, मतलब किसी एप्लीकेशन से आपने कोई डाटा कॉपी किया तो वहाँ कहाँ, वो कहाँ पे स्टोर होकर रहता है, ठीक है, तो वो होता है क्लिपबोर्ड, ठीक है। तो इसको ऐसे ही, ठीक है, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्लिपबोर्ड। एग्जाम्पल ऐसे ही पूछ सकते हैं कि जब आप कट कॉपी पेस्ट कमांड का यूज़ करते हो तो जो आप जो है डाटा, जो कंप्यूटर हमारा डाटा स्टोर करके रखता है वो किस में स्टोर करता है, वो क्लिपबोर्ड में स्टोर करके रखता है, क्लिपबोर्ड में वो स्टोर करके रखता है, और इसके बाद उसको या कट कॉपी पेस्ट कमांड का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 75, ऑल द डिलीटेड फाइल गो टू, तो हमारी जितनी भी डिलीटेड फाइलें हैं ये हमारे रिसाइकल बिन में जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 76, बट मेन्यू सेलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट, मतलब कट कॉपी पेस्ट के लिए हम कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करते हैं, तो हम एडिट, ठीक है, तो इनमें से चारों में से सही आंसर होगा ऑप्शन बी एडिट। क्वेश्चन नंबर 77, डेट एंड टाइप आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप है, ठीक है, तो कहाँ पे होता है, बोले डेट और टाइम जो है डेस्कटॉप में कहाँ पे होता है, ये हमारी टास्क बार में होता है सबसे नीचे, इसको हम टास्क बार बोलते हैं, वहाँ पे होता है। और आप ये बताना कि डेटा जो हम एक्सेल में डेट और टाइम जो है अगर हमें शो करना हो, ठीक है, किसी डाटाबेस मैनेजमेंट में, तो हम उसमें कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक कमांड होती है नाउ, ठीक है, एक कमांड होती है टुडे, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी कमांड किस किस लिए ये यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 78, एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज कॉल्ड, बोले जो रिलेटेड फाइल की जो कलेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं डाटाबेस, ठीक है। डाटाबेस क्या होती है, एक कलेक्शन ऑफ डाटा होती है, कलेक्शन ऑफ डाटा की कलेक्शन होती है, फाइल की हम फाइल की बोल लो, ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज कॉल्ड डाटाबेस। ईच बॉक्स इज इन स्प्रेडशीट इज कॉल्ड, बोले जो स्प्रेडशीट के अंदर हर बॉक्स को क्या बोलते हैं हम, उसको सेल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, मेन फोल्डर ऑन स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड, बोले स्टोरेज डिवाइस में जो मेन फोल्डर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 81, ए फाइल इज ऑफन रेफर टू एज, बोले एक फाइल को हम क्या करते हैं, फाइल को हम क्या बोलते हैं, फाइल को हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन, बोले एक्सेल की जो वर्कबुक है वो किसकी कलेक्शन है, वो वर्कशीट की कलेक्शन है, ठीक है। तो एक्सेल में देखो कलेक्शन क्या होती है, सबसे पहले वर्कशीट होती है, वर्कशीट की कलेक्शन को क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये किसका एग्जांपल है, तो माइक्रोसॉफ्ट एग्जांपल ये है, एग्जांपल है ये हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, आप इसको यानी कि जो हम तो पेड करके हम जो सॉफ्टवेयर लेते हैं उनको बोलते हैं हम
हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, पैसे देके आप इसको खरीद सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। क्वेश्चन नंबर 84, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, मतलब इनमें से कौन सा जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो सर्चिंग इसमें यूज़ नहीं होता, टेक्स्ट लाइन स्पेसिंग भी यूज़ होती है, टेक्स्ट स्पेसिंग भी यूज़ होती है, मार्जिन चेंज कर सकते हैं, सर्चिंग इसमें कोई इसका यूज़ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 85, टू करेक्ट द स्पेलिंग इन एमएस वर्ड भी यूज, बोले एमएस वर्ड में अगर हमने कोई स्पेलिंग हमने कोई ठीक करनी तो हम क्या करते हैं, हम जो है स्पेल चेक, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम जो है स्पेल चेक कमांड का यूज़ करते हैं, आप स्पेल चेक कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, आउटफॉल्ट फाइल जो है एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ल्ड डॉक्यूमेंट, तो किसकी है, ये डॉक्स की है। क्वेश्चन नंबर 87, ए डायरेक्टरी विद इन ए डायरेक्टरी, इस कारण डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, एमएस वर्ड इज एग्जांपल ऑफ, एमएस वर्ड किसका एग्जांपल है, एमएस वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 89, द ब्लिंकिंग पॉइंट विच शो योर पोजीशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्सर बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे ब्लिंक करता है आपका जो आप एमएस वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, विच एप्लीकेशन इज़ कॉमनली यूज टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन के लिए हम कौन सी करते हैं, हम उसमें करते हैं, हम पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में। काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे का पार्ट दिखाऊंगा, और भी ऐसे 4-5 क्वेश्चन पेपर जो है पुराने ईयर्स के पड़े हुए हैं, उनको भी मैं 3-4 दिन में कंटिन्यू अपलोड करता हूँ, ताकि एग्ज़ाम से पहले एक बार आप सभी रिवाइज कर सको। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बूस्ट, हमारे जो हमारा कॉरेज है उसको बूस्ट करेगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय हिमाचल।